राजीव रंजन प्रसाद अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन समिति की ओर से आजादी के 75वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दही हांडी प्रतियोगिता में आप सभी सादर आमंत्रित है। स्थान मोरहाबादी मैदान रांची, 17 और 18 अगस्त 2022। जेसीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के निधन से झारखंड ही नहीं पूरे देश के क्रिकेट को नुकसान हो गया है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनको श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बात कही। मुख्यमंत्री अमिताभ चौधरी को कुशल प्रशासक बताते हुए उनकी प्रशासनिक क्षमता को काफी बेहतर बताया। राज्य पुलिस सेवा के वरीय पदाधिकारी के रूप में रहे क्रिकेट एसोसिएशन के सर्वोच्च पदों पर रहे, राज्य के जेपीएससी के चेयरमैन के रूप में भी रहे अमिताभ चौधरी जी, आज सुबह अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। और मैं समझता हूँ कि अमिताभ चौधरी जी को और उनका परिचय देना उनके लिए बहुत छोटा होगा। इन्होंने अपने कर्तव्य और कार्यों को इस तरीके से लोगों के बीच में रखा जिनका सभी लोगों ने सराहा है। काफ़ी जिंदा दिल इंसान आज हम लोगों ने खोया है। एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाने जाने वाले अमिताभ चौधरी जी को आज हमने खोया है। और मुझे लगता है इनकी कमी सभी को खलेगी, पूरे राज्य को खलेगी, और विशेषकर नौजवान जो हमारी आने पर पीढ़ी जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं, खेल जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आगे बढ़ने का एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिलेगा और झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भी इनकी एक अहम भूमिका रही है। और इन इस व्यक्तित्व को मैं समझता हूँ हर व्यक्ति आने वाला समय में याद रखे। जेएससीए के अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ चौधरी की के आकस्मिक निधन पर प्रदेश पासवा की ओर से मैं गहरी संवेदना और दुख प्रकट करता हूँ। अमिताभ चौधरी जी जब रांची के वरीय आरक्षी अधीक्षक हुआ करते थे तब मैं एनएसयूआई के रूप में उनसे लगातार मिलता रहता था। बाद के दिनों में भी उनसे संपर्क बना रहता था और जेपीएससी के दौरान जब उन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया जो कई वर्षों से जेपीएससी में नियुक्तियाँ बंद थी, उस समय भी मैं उनके साथ खड़ा रहा तो गौरवान्वित महसूस करता था। और कहें तो एक इंस्टीट्यूशन थे अपने आप में। क्रिकेट जगत में झारखंड को जो स्थान उन्होंने दिलाया है वो अविस्मरणीय है। हमेशा ये राज्य उनके इस योगदान के लिए उन्हें जीवन पर्यंत याद करेगा। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार।
आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।